वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको इसका डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, उसी सीक्वेंस में आगे कुछ इसकी और एडवांस प्रॉब्लम आज करते हैं। लेट सी द क्वेश्चन। रिचा हैज डिसाइडेड टू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली द सेपरेट नेट प्रॉफिट फॉर टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 30 June 2010। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक स्टॉक ऑन दैट डेट। But his rate of gross profit calculated without reference of direct expenses on sales for the two departments are 40% and 30%. The details are as follows: opening stock, sales, purchase, direct expenses, and the last sundry income. Indirect expenses relating to whole business are to be charged in the proportion of departmental sales except 1/6, which is to be divided equally. Total indirect expenses of all the five departments were rupees 10,800. The sales of the other departments were 1,02,000 rupees. Prepare departmental trading and P&L loss account for the period ending on 30 June 2010 after making a stock reserve of 5% on estimated value of each department. तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन में आपको जो है ए एंड बी दो डिपार्टमेंट आपको दिए गए हैं। हाफ ईयर का आपको जो है इसमें यहाँ पर ये सब प्रोसेस पूरा करना है अकाउंटिंग का 30 June 2010 में। ध्यान रखिएगा हाफ ईयर, कई बार इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ क्वेश्चन में एक्सपेंसेस जो है वो मंथली बेसिस पर होते हैं, तो उन्हें लोग क्या करते हैं कि 12 मंथली कर देते हैं, तो वो 12 मंथली नहीं होंगे। जब अगर आपका टाइम पीरियड ही 6 महीने का आप अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर उसमें 12 मंथ के कैसे दिखा देंगे। तो ये टाइम पीरियड पर भी ध्यान दिया कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो उसने बात इसमें जो एडवांसमेंट आई है क्वेश्चन में, वो ये है कि एक तो इसमें स्टॉक जो है उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई है वहाँ पर। तो उन्होंने आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशो दे रखे हैं जो कि सेल्स पर 40% एंड 30% आपको बताए हुए हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको इसमें जो है कंसीडर नहीं करना है इस ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। फिर जो सेकंड इंफॉर्मेशन इसमें जो है अलग है, वो ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए उसमें कहा है 1/6 डिवाइडेड इन इक्वली ऑल डिपार्टमेंट्स। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो 1/6 एक्सपेंसेस है वो आपको जो है डायरेक्टली जो है वो सभी जो 6 के 6 जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर उनमें 1/6 के रेशियो में जो है डिवाइड करने हैं। और जो बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं वो आपको जो है फिर इसमें डिवाइड करने हैं ऑल 5 डिपार्टमेंट्स में, जो कि जो है सेल्स के रेशियो में बांटे जाएंगे। क्योंकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाद में जितने भी हम आएंगे ये सारे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो अकाउंट में एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे सेल्स के रेशो में डिवाइड होंगे। उसके बाद उसने एक क्वेश्चन में एक बात और कही है आपको, इसमें स्टॉक रिजर्व भी आपको जो है लेकर चलना है। 5% आपको स्टॉक रिजर्व बनाना है डिपार्टमेंटल स्टॉक जो होगा क्लोजिंग स्टॉक उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग देखिए इसकी सॉल्यूशन पे आ जाइए। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द पीयर एंडेड और पीरियड एंडेड ऑन 30 June 2010। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को जो है प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको लेंगे। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपको जो है दोनों डिपार्टमेंट के आपको सेपरेटली जो है वो प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर। तो 9,000 and 8,000 जो है 84,000 आपको जो है दिया हुआ है। टोटल का कॉलम आप लोग इसमें ये आपकी जो है अपनी कंसर्न है कि वो आप इसको बनाएं या ना बनाएं।
अगर बना लेते हैं तो उससे और ज़्यादा कैलकुलेशन आसान लगती है, पता चलता रहता है साथ साथ टोटल भी। तो ये आपके ऊपर है, आप बनाना चाहे नहीं तो, लेकिन इसमें जो कॉलम है आपको ए और बी डिपार्टमेंट के, वही मेंटेन करके चलने हैं बोथ द साइड। इसके बाद आपको जो है परचेज लेनी है। परचेज जो है इसमें 27,000 और 21,000 बोथ द डिपार्टमेंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और इसके बाद जो है हम लोग सेल्स लिखेंगे, सेल्स 42,000 एंड 36,000 जो है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपने वो उसको नोट कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ये हम लोगों को मालूम है, तो बहुत डेफिनेट सा रूल है जो हमेशा चलता आ रहा है। लेकिन क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि उसने जो है विदाउट द रेफरेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है अपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ना दिखा करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ शो करेंगे। तो फिलहाल आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेने हैं। अब इसमें जो है आपको उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, ना ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है। और ये डेफिनेट होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, थोड़ा सा वो रिवर्स होगा काम। इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है पहले, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर में फिर आप क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि सेल पर होता है तो सीधा हम सेल्स पर जो है वो परसेंटेज ले लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है आपको जो है वो यहाँ पर दिखा रखी है वर्किंग में, वर्किंग में भी देखते रहिएगा, वहाँ कुछ कैलकुलेशन आपको दिखा रखी है। 42,000 सेल है ए डिपार्टमेंट की, उसका 40% हमने ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 16,800। एंड देन बी डिपार्टमेंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आया है 10,800, 16,800 एंड 10,800। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 16,800 एंड 10,800 आ गया है। अब हमने इसके जो है टोटल किए हैं, और यहाँ पर देखिए टोटल आ गए हैं 52,800, और ए बी डिपार्टमेंट का है 40,800। अब इसमें जो हमने सेल लेस करी है उसके बाद यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गए हैं 10,800, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 10,800, और बी का क्लोजिंग स्टॉक आया है 40,800। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर में जो है हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर जो है ये कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे प्रिपेयर जो पी एंड एल अकाउंट है उसको। तो यह ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है हमने इसको ट्रांसफ़र करा नीचे बैलेंस को। अब इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। हमने सबसे पहले इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो शो कर दिए, जो कि हमने ट्रेडिंग में नहीं शो किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रह जाता है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलोकेट करने का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए आप यहाँ ध्यान देंगे कैलकुलेशंस पर। सबसे पहले उसने कहा है 1/6 पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इक्वली इन द ऑल 5 डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर जो है जो 10,800 है इसका 1/6 कर लिया हमने, जो कि 1,800 आता है। तो 1,800 जो एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स इक्वली, तो यहाँ पर इनको इक्वली बांटना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 1,800 को, तो ये आ गया है 360। यानी 360 रुपीज़ जो हैं वो हमें हर डिपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इक्वली हमने हर डिपार्टमेंट में बांटने हैं वो ए और बी के हमने 360 360 जो है वो दोनों के यहाँ सिमिलर शो कर दिए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इन द सेल्स रेशो, तो वो सेल्स रेशियो में बांटने हैं। तो रेस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके हो गए हैं 10,800 -1,800 यानी 9,000 के हैव बिन चार्ज इन द रेशियो ऑफ सेल्स। सेल्स में इसको डिवाइड करना है, तो सेल्स जो है वो हमें यहाँ पर लेनी है ताकि हम उससे रेशियो निकाल सकें। तो देखिए डिपार्टमेंट ए की सेल जो है वो है 42,000, डिपार्टमेंट बी की सेल है 36,000, एंड ऑल द 3 डिपार्टमेंट सेल्स आर 1,02,000, जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें पाँचों की सेल लेनी पड़ेगी पाँचों डिपार्टमेंट की। अब उन्होंने 2 डिपार्टमेंट की सेल तो आपको दे रखी है, बाकी के 3 डिपार्टमेंट की सेल उसने आपको बता दी है यहाँ पर क्वेश्चन में, ताकि आप इसको सेल्स रेशो आसानी से निकाल सकें, क्योंकि बटने तो ये पाँचों डिपार्टमेंट में ही है। तो तीनों की जब हमने सेल ले ली तो यहाँ इनके जो हैं हमने 0 जो कॉमन थे वो हटा करके इनके रेशियो ले लिए 12, 42, 36 और 102, ये इनके रेशियो आ गए हैं। अब इस रेशियो में हमें जो है ये एक्सपेंसेस जो है 9,000 ये डिवाइड करने हैं। आप केवल ए और बी का करना, बाकी के जो 3 डिपार्टमेंट हैं उसका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमें दे दिखाना ही नहीं है कहीं पर। हमें तो अकाउंट ही केवल उनने 2 अकाउंट बनाने को कहा है ए और बी के। ठीक है, तो
तो यहाँ पर हम 9000 इंटू 42 अपॉन 180 करेंगे, 180 इसका टोटल था रेशियो का, तो ये आ गए हैं 2100। इसी तरह से हमने डिपार्टमेंट बी के लिए कराया है 9000 इंटू 36 अपॉन 180, ये आ गए हैं 1800। तो इस तरह से सेल्स के रेशो पर ये 2100 और 1800 जो हैं एक्सपेंसेस आ गए हैं। अब इसके बाद जो है, जब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं हम बांट चुके हैं, बढ़ चुके हैं, इसके बाद हम इसमें फिर आगे स्टॉक रिजर्व तैयार करेंगे। अब स्टॉक रिजर्व जो है वो हमें इसने कहा है कि आपको जो है स्टॉक रिजर्व जो है वो 5% रखना है, ठीक है। तो 5% जो है वो स्टॉक रिजर्व आपको प्रिपेयर करना है। तो 5% स्टॉक रिजर्व जो है वो देखिए कैसे इसमें जो है प्रिपेयर होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पर डिटर्मिनेट किए थे वो थे 10,800 और 4,800। तो ये 10,800 और 4,800, इनके हमने 5% ले लिए हैं स्टॉक। ये आ गया है 5%, 4,540 A का और 240 आ गया है B का। ये हमने यहाँ पर स्टॉक रिजर्व जो है वो जो है यहाँ पर शो कर दिया डेबिट साइड में। अच्छा, इसके बाद जो है सन्ड्री इनकम, ये सन्ड्री इनकम जो यहाँ पर थी वो P&L अकाउंट में आती है, आप लोगों को मालूम ही है। तो ये इनकम है इसलिए हमने क्रेडिट साइड में दिखाई है, 100 100 रुपीज़ की इनकी जो सन्ड्री इनकम थी वो हमने यहाँ पर शो कर दी है। इस तरह जब ये सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई हैं, पूरा कंप्लीट जो है एक्सपेंसेस और इनकम को हमने नोट कर दिया है, उसके बाद हम इसमें जो है P&L कैलकुलेट करेंगे। तो डिपार्टमेंट ए में देखिए, डिपार्टमेंट ए में जो है प्रॉफिट आ रहा है 8,410 का बैलेंस में, और डिपार्टमेंट बी में देखिए यहाँ पर जो है वो लॉस आ गया है 20 रुपीज़ का। तो इस तरह से जो है दोनों डिपार्टमेंट का जब हमने अलग अलग जो है तैयार किया अकाउंट्स, तो उसमें पता चला कि डिपार्टमेंट बी की जो परफॉर्मेंस है वो लॉस है और डिपार्टमेंट ए जो है वो जो है प्रॉफिट में परफॉर्म कर रहा है।